함께. ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दसभातु ठाकुरवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव की जय हो। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पहुँचे हैं, ये स्थान का नाम बिहार बन है। क्या नाम है? बिहार बन। बिहार कहते, ये बिहार का मतलब क्या होता है? कहते बिहार का मतलब क्या होता है? जी छोड़ दो, सुबह हो जाएगा। कहते बिहार का मतलब होता है लीला करना, खेला करना। इसलिए ये भगवान कृष्ण का लीला स्थली है। कृष्ण यहीं पर गैया चराने के लिए अपना ग्वाल बालों को साथ में लाते थे। पहले तो कृष्ण बछड़ों को साथ में, पहले बछड़े चराने के लिए गए हैं, लेकिन धीरे धीरे बड़े हो गए ना, वही बछड़े जो बड़े बड़े हो गए फिर, और वो किसको साथ में जाना नहीं चाहते। कभी जाएंगे तो कन्हैया को साथ में जाएंगे, है जाएंगे तो कृष्ण को साथ में जाएंगे, और किसको साथ में हम चलेंगे नहीं। इसलिए राधा रानी कमल वन से प्रकट होती थी। अभी कृष्ण जाकर छुपते थे, अभी राधा रानी को ढूंढना। कृष्ण का रंग कैसे है? काले है, नील रंग है, नील कमल होता था। राधा कृष्ण जाकर क्या करते थे, नील कमल को अंदर में छुप जाते थे और अपना मुंह ऐसे करके खड़े कर देते थे। अभी राधा रानी ढूंढती कहाँ श्याम सुंदर कन्या कहाँ है, और ढूंढते ढूंढते कृष्ण कमल और एक ही उनको मुंह कमल, अभी वो मिले नहीं। इतने में राधा रानी कहते हैं, श्याम सुंदर तो कहाँ, मैं हार गई हूँ, तो प्रकट प्रकट हो जा। फिर कृष्ण कमल को अंदर से कृष्ण प्रकट हो रहे थे। इसलिए बिहार वन में कृष्ण ये जीवा निकाल देते, बोले प्रभु आप मेरे जीवा को ऊपर, जीवा कितनी गुदगुदी, जीवा गुदगुदी है ना, इसलिए कितना गुदगुदी है। और पृथ्वी भी अपना हृदय को बिछा देते, प्रभु मेरे हृदय के ऊपर आप चरण रखो। इसलिए यहीं पर कृष्ण सखाओं को साथ में, कभी सखियों को साथ में, कभी राधा रानी को साथ में, यहीं पर कृष्ण बड़ी सुंदर प्यारी प्यारी लीला की। इसलिए कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते थे, बंसी ध्वनि सुन करके कृष्ण का रंग मेघ का रंग बराबर है ना, कृष्ण रंग मेघ, इसलिए इतने में आकाश में मेघ छा जाता था। बोले क्यों? बोले कृष्ण मेरे दोस्त है, मेरा रंग और कृष्ण का रंग बराबर है। आकाश में जैसे छतरी धारण करते हैं, मेघ उनके ऊपर छतरी धारण करते हैं, और फुहारा में जैसे स्नान करते हैं ना, कृष्ण को बड़े सुंदर सुंदर फुहार मिलते थे। मिलने का वजह से अभी बगैर शादी में अगर कोई मिले, दुनिया बदनामी करते हैं, शादी नहीं हुई आपस में वो मिल रहे हैं। अभी दुनिया राधा रानी की बड़ी बदनामी करती है, और राधा रानी का जो डायरेक्टली जो शादी है ना, कृष्ण को साथ नहीं हुई, किसको साथ में हुई? एक अभिमन्यु है जिसका नाम आयना घोष था, उसको साथ में शादी हुई, और उनकी ननंद और सास, सास ननंद का नाम क्या बोले, जटिला और कुटिला,
क्या नाम है? जटला मतलब क्या? जट बगाना। कुटला मतलब कुट 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 करना। अब पता होगा सांस लेना तो कितना तेज होता है, आपको सांस लेना तो कितना तेज है। कहते ये जोग माया ने सब काम करवाया। क्यों? अगर राधा कृष्ण की शादी हो जाएगी ना डायरेक्ट, फिर कृष्ण को साथ में मिलने का उत्कंठा खत्म हो जाएगी। इसलिए जोग माया ने किया कि राधा रानी की जो छाया को, असली राधा रानी नहीं, राधा रानी का जो छाया को उन्होंने शादी करवा दिया, जिसको आयना घोषो को साथ में, और ये जटला कुटला हर समय उनके कलह, हर समय बदनामी करते। अगर राधा रानी आने में देर हो, क्या बात है, कहाँ गई थी, क्या हो रही थी, क्या कर रही थी, राधा रानी की बड़ी बदनामी करती है, बोले हमारे घर की जो बहू नहीं, दो चार की चरित्र नहीं, पता नहीं कहाँ कृष्ण के साथ में घूमती फिरती रहती है, सारा दुनिया में इसकी बदनामी करती है। एक दिन राधा रानी बड़ी दुखी हो गई। दुखी होकर कृष्ण को बोले, कृष्णा ननंद है ना, ये मेरी बड़ी बदनामी कर रहे हैं, तुम इसको कुछ उपाय करो। बोले कोई चिंता मत करो, मैं उसका उपाय कर रहा हूँ। इतने में कृष्ण तो राजा का लड़का है ना, कृष्ण ने बहाना बनाया, मेरे को बुखार हो गया, सर दर्द है, अभी वैद्य को बुलाए। वैद्य कौन? बोले पौर्णवासी जोगमाया। जोगमाया कौन? जो राधा कृष्ण को मिलन कराती है। बोले देखो इनका बुखार सही हो सकती है। बोले कैसे? बोले एक ब्रिज बननी चाहिए, एक ब्रिज, यमुना नदी के ऊपर ब्रिज। वो ब्रिज कैसे होनी चाहिए? बोले जानते थे एक कटे करके सबके सब बदनाम, ये सती नहीं, अरे कुटिला को भी करे, उसका भी ऐसे हुआ। अभी कोई तो डर के मारे जाए नहीं। बोले अभी कौन जाएगा? अभी कोई जाए नहीं, सब सबके सब बोले केवल श्री राधा रानी को ही भेजा जाए। तब राधा रानी जा करके उन्होंने बोले, हे श्याम सुंदर, अगर मैं कभी भी तेरे सिवाय अगर मैं और किसी को नहीं जानती हूँ, तन मन में तू केवल मेरे ही हृदय में बैठे हुए हो, इसलिए मैं तेरे नाम को लेकर के पानी भर रहे हो। इसलिए वृंदावन में किसका नाम लेते हैं? और जोर से, इसलिए सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। इसलिए भागवत में बताया, जीवा असति दा दुर्ग एव सुत नच उपगायति उरु गायगत। सती नारी तो वही है जो कृष्ण को ही जीवन का सर्वस्व माने। इसलिए कहते ना, ऐसे बर को क्या भरे जो जन्म और मर जाए, बर बरी गोपाल जो सो चुड़ल अमर हो जाए। इसलिए आओ मेरी सखिया मुझे इस जगत में पति कहने वाले कोई है नहीं। पति मतलब क्या? पा मतलब पालन करना, ती मतलब संसार से जो त्राण कर ले। संसार में हमें कौन पालन करते और कौन त्राण करते हैं? कल मतलब भगवान है। इसलिए रुक्मणी पति के लिए इतने श्रृंगार भर लिया तुमने। पति का बना शादी से पहले कोई मतलब था? बीच में झगड़ा होकर डाइवोर्स हो गया तो गया, एक दिन मरना तो गया तुम्हारी। भैया जब दो दिन के पति के लिए इतने मांग तुमने भर लिया, श्रृंगार भर लिया, जो तुम्हारी जन्म जन्मांतर के पति, उसके लिए क्या तुमने धारण किया है? कोई चिन्ह है तुम्हारे पास में? क्या कोई चिन्ह नहीं? ये जम स्वयं कह रहे हैं, पहले नंबर है गले में तुलसी की कंठी होनी चाहिए। इसलिए जम महाराज एक उदाहरण दिया, बोले दो तरह के कुत्ते हैं। कितने तरह के? एक पालतू एक फालतू। बोले जब पालतू कैसे पता चलता है? बोले गले में पट्टा बंधा रहता है ना, देखने से पता चलता भैया किसी घर के कुत्ते। और जो फालतू बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, देखना पालतू को कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए जिनकी गले में तुलसी कंठी वो कौन हो गए? और जो नहीं है, इसलिए हमें फालतू नहीं होनी चाहिए, पालतू होनी चाहिए, ठीक है ना? गले में जरूर कंठी पहनना चाहिए। तुलसी कंठी को साधारण नहीं, ये मां लक्ष्मी स्वयं है। कहते ना वृंदावन आए, वृंदावन मतलब क्या? वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब वन, जहाँ पर तुलसी का वन वही ठाकुर जी। अगर गले में कंठी हो तो कौन हो गए? लक्ष्मी नारायण स्वयं, तुलसी में ही ठाकुर का निवास है। इसलिए गले में जैसे ठाकुर को जितने भोग लगाओ, जब तक तुलसी बता नहीं देते ना, ठाकुर जी भोग नहीं लगाते, ग्रहण करते नहीं, ग्रहण करते हैं। उसी तरह कहते हैं जब तक गला में तुलसी कंठी नहीं होना, ये शरीर ठाकुर की सेवा में लग ही नहीं सकता है। इसलिए वैष्णव जगत में नियम है, जब सर पर प्रथम आते हैं सबसे पहले उसको शुद्ध बनाते हैं, गले में कंठी माला डाल कर पहले शुद्ध बनाएंगे, उसको बाद में फिर ठाकुर को सेवा में अधिकार। कहते जिनकी गले में तुलसी कंठी नहीं, वो ठाकुर सेवा करने का अधिकार है ही नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं पंच रचित ये अधम शरीरा, ये शरीर अधम है, टाटी बेसब का थली है, इस शरीर से ठाकुर की सेवा हम नहीं कर सकते। इसलिए क्या करनी चाहिए? गले में तुलसी की कंठी पहनना जरूर। क्योंकि यहाँ पर कुछ अंग्रेजी लड़का है ना, देखो वहां पर कुछ अंग्रेजी लड़के वहां पर बैठे, हरे कृष्ण है, देखो ये लड़कों को देखो कितने जवानी लड़के,
कितने उम्र के देखो, देख रहे हो, देख रहे हो, ये देखो ये 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 लोग है ना, देखो आप इनका चेहरा देख लो कैसे, अभी आर यू कमिंग फ्रॉम यूएसए, यू अमेरिका से, देखो अमेरिका को सबसे समृद्धशाली मानी जाती है, गले में कंठी देखो है नहीं, कंठी तिलक देखो, हम तो हिंदू है जो गले में देखो माला झोला, हम हिंदू है, हमें कोई पूछो तो गीता का कोई श्लोक बोलो, कोई बोल सकता है, केवल हमारे भक्तों को छोड़कर कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन कौन सा हीरो का नाम पूछो, हीरोइन का नाम सब याद, सारी गंदी चीज को हम याद करके, सारी उल्टा पुल्टा चीज को, लेकिन हम लोग क्या चाहते ना, पश्चिम शिक्षा, हाँ विदेश अमेरिका का शिक्षा तो सबसे पहले नहीं चाहिए उनको, जैसे रहन खाना पीना सोना, लेकिन ये उनका छोड़ करके देखो कैसे धोती पहने, देखो ना धोती कैसे पहने, देखो हाँ धोती कैसे पहने, स्टार्ट हरिबोल, ये धोती पहने देखो उनको आदर्श रूप में, देखो ये धोती पहने, लेकिन धोती पहने माला पीला ये, इसलिए हाँ इसलिए देखो इस चीज शिक्षा लेनी चाहिए, देखो हम लोग तो हिंदू है ना, हम लोग जो हिंदू बड़ी संस्कार लेकर कोई हिंदू जन्म पाता है, साधारण भाग्य से हिंदू जन्म नहीं लेता है, ये एकादश स्कंध में बताया, देवता लोग भी भारत में हिंदू घर में जन्म लेना चाहते, बोले क्यों, बोले जितने भगवान राम कृष्ण कौन सा वंश में आए, हमारे हिंदू घर में, ये गंगा जमुना किसके है, हमारे, लेकिन ये लोग वो चीज के महत्व समझ कर हमारी संस्कृति को ले रहे, और हम लोग उनकी रहन सहन खान पान, अगर रुपया पैसा वो रहन सहन में सुख होता ना, ये कभी भी विदेश छोड़कर नहीं आते, कभी छोड़कर नहीं आते, वो बोर हो गए जिस चीज को भोगने के लिए हम चाह रहे हैं ना, वो सारे भोग को भोग करके आए, क्यों, देखा भैया भोग में शांति नहीं, शांति तो भगवान की भक्ति में, इसलिए दो तरह का आनंद है, एक तो स्पिरिचुअल और एक फिजिकल आनंद है, लेकिन स्पिरिचुअल आनंद वास्तविक आनंद है, इसलिए देखो कंठी तिलक माला, ठीक है ना, कम से कम इतना तो लेकर जाओ ब्रज से, कंठी माला तिलक कम से कम इतना लेकर के जाओ, और भजन करो, और बच्चों को भी भगवान की भजन करो, ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम।